अस्सलाम वालेकुम, मैं सदुल्ला खान हूँ। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि इमरान खान ने सहाफियों से क्या बातचीत की है, वो मैंने आपके साथ डिटेल से शेयर किया था। लेकिन उसके बाद मेरी कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात हुई आज जो इमरान खान से मिलकर आए, और उन्होंने पार्टी लीडरशिप के हवाले से क्या बताया कि इमरान खान अपनी लीडरशिप से किस तरह से नाखुश हैं, नाराज हैं, या कुछ लोगों को उन्होंने डांटा है और कुछ नई हिदायत जारी की हैं। इस बारे में मैं आपके साथ अब मजीद बात करना चाहता हूं। और फिर ये कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ स्ट्रेटजी क्या बना रही है इलेक्शन के बाद, क्या वो पार्लियामेंट से बाहर आ सकते हैं? क्या एक दफ़ा असद कैसर साहब ने कहा भी था, साहिबजादा हामिद रजा ने भी ये कहा था कि अगर हमें मखसूस नशस्तें नहीं मिलती तो फिर पार्लियामेंट में नहीं बैठना चाहिए। पीटीए क्या सोच रही है, जरा इस बारे में भी कुछ बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ आज जो डेवलपमेंट हुई है डोनाल्ड लू के हवाले से। और आप जानते हैं कि अमरीकी वाले नुमाइंदगान की जो जैली कमेटी है उमूर खारजा की, और जनूबी एशिया के लिए जो मुआवन वजीर खारजा हैं डोनाल्ड लू, और ये वही डोनाल्ड लू हैं जिनकी मुलाकात हुई थी असद मजीद साहब से, पाकिस्तानी सफीर से, और जिन्होंने एक धमकी दी थी और फिर वो साइफर बन के पाकिस्तान आया, वो सारी बात आपके इल्म में है। तो आज उनको कमेटी में बुलाया गया था। आपके इल्म में है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोगों ने अमरीकी सेनेटर्स को खत लिखे, और उसके नतीजे में अमरीकी वाने नुमाइंदगान में ये एक बहस शुरू हुई, और अमरीकी सेनेटर्स की तरफ से कांग्रेसमैन की तरफ से सदर कुक के ऊपर दबाव आया और कहा गया कि जी पाकिस्तान में होने वाले इलेक्शंस के हवाले से और इसकी पाकिस्तान में होने वाले इलेक्शंस की शफाफियत पर अमेरिका को अपना मौकफ वाज़ह करना चाहिए और बताना चाहिए कि वो इंसानी हकूक की पामालियों के साथ खड़ा हुआ नहीं है। तो ये एक 31 कांग्रेसमैन की तरफ से जो है वो खत लिखा गया था अमेरिकी सदर को, और उसके बाद फिर जो है वो चीज़ें आगे बढ़ी। अब ये कमेटी हुई है, कमेटी का इजलास हुआ है, इसमें अगरचे पाकिस्तानी मीडिया में ज़्यादा खबर तो ये हाईलाइट हुई है जिसमें कहा गया कि यहाँ जो साइफर है उसकी हकीकत के हवाले से जो सवाल हुआ था पाकिस्तानी मीडिया ने उसको ज़्यादा हाईलाइट किया, कि जिसके बाद जिसमें उन्होंने कहा कि अमरीकी ये जो साजिश है या मुदाखलत है उसमें कोई हकीकत नहीं है और पीटीआई बिल्कुल झूठ बोल रही है, झूठ पर मबनी है। इस पर आज बहुत सारे लोग जो एंटी पीटीआई लोग हैं या एंटी पीटीआई पार्टीज हैं या पीटीआई मुखालिफ पार्टीज हैं वो बयानियां बनाती हुई नजर आई कि देखा डोनाल्ड लू ने कह दिया है कि अमरीका ने कोई मुदाखलत नहीं की, अमरीका ने कोई साजिश नहीं की। तो बड़ी हैरत की बात है ये बयानियां बनाते हुए कि क्या कुछ डोनाल्ड लू से मुख्तलिफ भी तवक्को कर रहे थे लोग, क्या कोई ये भी तवक्को कर रहा था कि डोनाल्ड लू कहेंगे कि हाँ जी अमेरिका ने मुदाखलत की है? और भाई डोनाल्ड लू ने तो यही कहना था कि हाँ कोई मुदाखलत नहीं हुई, क्योंकि ये बयान तो अमेरिका ऑफिशियली दे चुका है, अमेरिकी सदर के तर्जुमान की तरफ से बारहा ये बात कही जा चुकी है, जो कही जा चुकी है और कहा जा चुका है कि तर्जुमान व्हाइट हाउस की जानिब से कई बार ये कहा जा चुका है कि अमेरिका ने कोई मुदाखलत नहीं की। तो इसलिए इसमें तो कोई खबर ही नहीं है, खबर ये है, ये खबर नहीं है कि अमेरिका ने मुदाखलत नहीं की, वो तो अमेरिका ने यही कहना था, डोनाल्ड लू ने यही कहना था। लेकिन खबर ये है कि उन्होंने पाकिस्तान के इलेक्शंस पर बहुत तशवीश का इजहार किया है और उस पर बहुत से सवालात उठाए हैं, और वो कह रहे हैं, खुद डोनाल्ड लू कह रहा है कि बहुत सी इरेगुलरिटीज हुई हैं। आप सोचें कि अगर डोनाल्ड लू को ये कहना पड़ रहा है कि इरेगुलरिटीज हुई हैं तो फिर कितनी इरेगुलरिटीज हुई होंगी, वरना छोटी मोटी चीज़ों पर तो वो शायद हालात ऐसे नहीं हैं कि वो इसको तस्लीम करते हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि इंतखाबात में मुदाखलत भी हुई है, वो ये कह रहे हैं कि कई बड़े रहनुमाओं को इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने दिया गया, जो बहुत तशवीश की बात है। वो ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर पाबंदियाँ लगाई गई, ये तशवीश की बात है, मीडिया पर पाबंदियाँ लगाई गई, ये तशवीश की बात है। वो कह रहे हैं कि इंटरनेट सर्विस को और टेलीफोन सर्विस को पोलिंग डे पर बंद कर देना, ये तशवीश की बात है, इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जियां तशवीश की बात है। और इस सारे मामले में सबसे बड़ी खबर तो ये है कि ये कहा गया है कि अमरीकी सफीर जो है वो जेल में जाकर इमरान खान से मुलाकात करें और मुलाकात करके उनके तहफ़ुज़ात सुने कि वो क्या कह रहे हैं। तो इमरान खान, जो मैंने कल भी आपको बताया था कि इमरान खान ने पार्टी को हिदायत दी हैं कि पूरी दुनिया में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको मुतहरिक किया जाए, पूरी दुनिया में एहतजाज किए जाएं और इस मामले को ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पे इसको उठाया जाए। और यही वजह है कि बहुत सारे पाकिस्तानियों ने, आज भी आपने देखा कि जब डोनाल्ड लू ये कह रहे थे कि अमेरिका ने कोई मुदाखलत नहीं की, तो ऐन उस वक्त वहाँ पर मौजूद लोगों ने, जिनमें से कुछ लोगों ने इमरान खान की तस्वीर भी उठा रखी थी, उन्होंने लायर लायर के नारे लगाए
और कहा कि डोनाल्ड लू झूठ बोल रहा है। यहाँ तक कि डोनाल्ड लू को खामोश होना पड़ा उन नारों की इंटरप्शन की वजह से, और फिर उन नारे लगाने वाले लोगों को बाहर निकालने का जब हुक्म दिया गया तो बाहर जाते जाते भी उन्होंने नारे लगाए कि फ्री इमरान खान, फ्री इमरान खान, इमरान खान को रिहा करो। तो ये अगर अमरीकी माने नुमाइंदगान में और उसकी ज़ैली कमेटी में इमरान खान की रिहाई का मुतालबा पहुँच गया है जो पूरी दुनिया ने देखा है, तो फिर जाहिर है कि इमरान खान अपना मौक़िफ़ उजागर करने में कामयाब तो हुए हैं। और अमेरिका को अगर अपना सफीर जेल में भेजना पड़ रहा है इमरान खान से मुलाकात करने के लिए, तो इसका मतलब यह है कि उसका एक इम्पैक्ट तो आया है। जो यहाँ पर एक मुहिम चलाई गई थी या एक ख़त लिखा गया था या फिर अमेरिकी कांग्रेसमैन ने अपने सदर को जो ख़त लिखा था, उसका इम्पैक्ट तो आया है। और चाहे अमेरिकी सदर अपने मुंह से ना कह रहे हों और अमेरिकी सफीर को पाकिस्तान में जेल में जाने पर का हुक्म दिया जा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि इमरान खान जो अपने मैंडेट के हवाले से और इलेक्शन की शफाफियत पर उठने वाले सवालों के हवाले से जो बात कर रहे थे, वो बहरहाल उसमें किसी हद तक कामयाब रहे हैं। तो असल स्टोरी मेरे ख्याल में इस पूरी कमेटी की यही थी कि इलेक्शंस की शफाफियत पर बहुत संगीन नोयत के सवालात उठे हैं, और ये जो बाकी जिसको खबर बना के पेश किया गया, मेरे नज़दीक वो कोई खबर नहीं है, क्योंकि वो पहले ये बातें नहीं हुई, पहले ये बातें हो चुकी हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। अब आ जाइए ज़रा दूसरे मामले पर। इमरान खान से मुलाकात की है जाकर आज बहुत सारे और लोगों ने, सहाफ़ी भी थे, और इमरान खान के जो अब्दुल जो कादे ट्रस्ट केस है, कादे यूनिवर्सिटी ट्रस्ट वाला, उसमें उनकी समाअत थी, तो काफ़ी पार्टी लीडर्स भी वहाँ गए हुए थे, वकला भी गए हुए थे, बैरिस्टर गौर थे, अफजल मरवत थे, फिर कुछ पॉलिटिशियंस अलीमा खान थी, इरफानुल्ला न्याजी थे, और कुछ और भी लोग यहाँ पर उसमें आए हुए थे, कुछ और वकला भी थे, तो इमरान खान उन सबसे बातें करते रहे। एक बात पर इमरान खान ने बहुत तशवीश का इजहार किया और काफ़ी हद तक, किसी हद तक अपनी लीडरशिप को डांट भी पिलाई कि आप क्या कर रहे हैं, आप जो मामला सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तें डालने वाले हैं उस पर आप क्यों जोर नहीं दे रहे। इमरान खान ने अपनी लीडरशिप से कहा कि जो दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा चुकी हैं उसको मीडिया में हाईलाइट क्यों नहीं कर रहे, और क्यों नहीं कह रहे कि वो फिक्स होनी चाहिए, और फिर उसका मुतालबा क्यों नहीं कर रहे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो मामला हैं, जो केसेस हैं, उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस क्यों नहीं हो रही। यानी मीडिया के मामले पर इमरान खान ने अपनी खफगी का इजहार किया कि सही तौर पर चीज़ों को हाईलाइट नहीं किया जा रहा, पॉइंट आउट नहीं किया जा रहा। और इमरान खान के पेश नज़र ये बात ज़रूर होगी, क्योंकि इस वक्त पीटीआई की लीडरशिप में एक महाजराई चल रही है, एक लड़ाई चल रही है कि कौन आगे चल जाता है, कौन सबसे ज़्यादा शोज में बैठता है, किसकी पावर बनती है, किसकी जो है वो कौन ज़्यादा बड़ा लीडर पीटीआई में इमरान खान के बाद बन रहा है। तो सब ऐसा लगता है कि अपनी अपनी दौड़ में लगे हैं और पार्टी के मुफादात को पीछे छोड़ दिया है या सेकेंडरी हो गए हैं पार्टी के मुफादात। तो इस बात का इस कंसर्न का इजहार पार्टी के अंदर भी किया जा रहा है, पार्टी का लॉयल वर्कर भी कर रहा है, और इस कंसर्न का इजहार, इस बात का इजहार किए बगैर इमरान खान ने भी किया कि सही तौर पर पार्टी फोकस नहीं कर रही इश्यूज के ऊपर, हाईलाइट नहीं कर रही इश्यूज को, प्रेस कॉन्फ्रेंसिस पे में उन खास निकात को उठाया नहीं जा रहा, फिर फॉर्म 45 के हवाले से उतने ज़्यादा इमरान खान को लगता है कि शद्दोमत के साथ बात नहीं हुई है, और वो ठीक समझते हैं कि उतनी शद्दोमत से बात हुई भी नहीं है। कई ऐसी दरख्वास्तें हैं जो सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई हैं लेकिन वो दरख्वास्तें फिक्स नहीं हो रही, तो उस पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंसिस नहीं हो रही। कई दरख्वास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ी हैं उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंसिस नहीं हो रही। तो इन तमाम चीज़ों पर इमरान खान ने अपने शदीद तहफ़ुज़ात का इजहार करते हुए पार्टी से कहा है कि वो मुतहरिक हों, वो काम करें, मीडिया के में अब चीज़ों को स्ट्रेटजी के साथ लेकर चलें। और आज बल्कि मुझे पता चला कि इमरान खान ये तमाम पॉइंट्स एक पेपर पर लिखकर लाए हुए थे और पेपर के दोनों तरफ उन्होंने पॉइंट्स लिखे हुए थे और वो ताकि वो भूल ना जाएं, और एक तरफ उन्होंने पॉइंट्स पढ़ के तजावीज़ दी कि यूँ होना चाहिए, और फिर पेपर की दूसरी साइड पर भी इमरान खान ने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए थे, वो पॉइंट्स भी उन्होंने अपने पार्टी लीडरशिप जो है उनको हिदायत की सूरत में बताए और सुनाए, और फिर हिदायत जारी की कि ज़रा अपने मौक़िफ़ को शद्दोमत के साथ उठाएं। और इमरान खान उससे बिल्कुल मुतमईन नहीं है जो उनकी पार्टी कर रही है, अदम इत्मीनान का उन्होंने इजहार किया है।
ये बात हो गई। और तीसरी चीज़ जो मैंने आपसे कहा कि इमरान खान ने हिदायत की है एहतजाज की तैयारी करने के लिए, कारकुनों को इंगेज करने के लिए, और पार्टी इस वक्त क्या सोच रही है, पार्टी क्या सिर्फ एहतजाज करने का सोच रही है, पार्लियामेंट के अंदर सोच रही है, पार्लियामेंट के बाहर सोच रही है, और तो पार्टी क्या सोच रही है, और क्या ये ऑप्शन भी ज़ेर गौर है कि वो दोबारा पार्लियामेंट से बाहर आ सकते हैं। आपको याद होगा कि पिछली मरतबा जब ये 16 महीने की हुकूमत बनी थी, पीटीआई ने असम्बलियों में से बैठने से इनकार कर दिया था, और ये पहली मरतबा नहीं किया था, बल्कि आपको याद होगा कि ये तब भी किया था पीटीआई ने कि जब 2014 का धरना हुआ था, इमरान खान ने असम्बलियों में बैठने से इनकार कर दिया था, लेकिन वो अलग बात है कि बाद में जाके बैठ गए थे। जब आपको याद होगा ख्वाजा आसिफ ने स्ट्रेंजर स्ट्रेंजर के नाजर नारे लगाए थे और कहा था ये अजनबी कौन आ गए पार्लियामेंट में, और कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। तो पीटीआई मुतअद्दिद बार चुके ये फैसला कर चुकी है असम्बलियों से बाहर निकलने का, तो इस मरतबा भी ये सवाल उठ रहा था कि पीटीआई क्या असम्बलियों से बाहर तो नहीं निकल सकती, बल्कि पार्टी के अंदर ये तश्वीश भी पाई जाती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग पार्टी के असम्बलियों से बाहर निकलने का ऐलान कर दें, क्योंकि पार्टी के अंदर एक राय मौजूद है कि जो अभी 16 महीने की पीडीएम की हुकूमत है उसमें ना निकलते तो ज़्यादा बेहतर रहता। हालांकि मैं समझता हूँ कि फैसला उस वक्त के लिहाज से ठीक हुआ था पीटीआई की जानिब से, वो फैसला इमरान खान का ठीक था, लेकिन बहरहाल पीटीआई के अंदर फिर भी एक राय मौजूद है। तो अब लोग फिर डरे हुए थे कहीं ऐसा ना हो कि असम्बलियाँ छोड़ दें और बाहर आ जाएँ। कुछ लोगों का ख्याल था कि नहीं, असम्बलियों के अंदर रहकर जद्दोजहद बाहर भी करनी चाहिए, अंदर भी करनी चाहिए। इसी वजह से हमने आज ये सवाल पीटीआई के लोगों के सामने, पीटीआई की लीडरशिप के सामने रखा भी कि क्या आप असम्बलियों से बाहर आने का फैसला कर भी सकते हैं, तो किस लीडर ने क्या जवाब दिया, कौन समझता है कि फैसला हो सकता है, कौन समझता है कि फैसला असम्बलियों से बाहर नहीं आएंगे या नहीं आना चाहिए। तो ये ज़रा 4-5 बड़े लीडर्स जो हैं पीटीआई के, उनकी राय आप सुन लें, फिर मैं अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स देता हूँ। गौर साहब बताइएगा, अगर मखसूस नशस्तें आपको सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिलती तो क्या आपकी रिकाउंटिंग में सीटें कम हो जाती हैं, तो क्या आप पार्लियामेंट छोड़ने का फैसला करेंगे? नहीं, देखिए पार्लियामेंट छोड़ने का फैसला नहीं करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला इस जमन में होगा वो आखिरी होगा और उस पर अमल दलामत होगा। यही कानूनी तरीकेकार है कि आप एक अदालत से दूसरे में चले जाते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे और आर्टिकल 51 का ही एहसास वो देंगे कि हमारी जीती हुई सीटें हमें मिलने चाहिए और किसी पॉलिटिकल पार्टी की उससे जीती हुई सीटों से ज़्यादा नहीं मिल सकती। अब उस पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वही फाइनल होगा। तो हमारी यही है इंशाल्लाह ताला कि हमारी सीटें हमें मिलेगी। अगर आप एहतजाज करेंगे तो इस बार एहतजाज की शक्ल कैसी होगी? नहीं देखो, एहतजाज अदरवाइज हमारा एहतजाज होगा, हमेशा हमारा आईनी हक लेने के लिए पहले कोर्टों में जाएंगे, और अमन एहतजाज तो वैसे हम करते हैं, वो तो अलग बात। उमर यूसुफ बताइएगा, क्या तहरीके इंसाफ से मखसूस नशस्तें उनको सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिलती और रिकाउंटिंग में भी 20 नशस्तें छीन ली जाती हैं, तो क्या आप पार्लियामेंट छोड़ने का फैसला करेंगे? नहीं, हम लोग इंशाल्लाह पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, हम लोग आए हैं, आवाम ने हमें इलेक्ट करके भेजा है और हम लोग हर जगह पे इसके लिए फाइट करेंगे। बहुत शुक्रिया। आपको एहतजाज करना पड़ा था, इस बार एहतजाज की जो करने जा रहे हैं किसको कैसी शक्ल होगी? ऑल ऑप्शंस ओपन है इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। तो क्या आप पार्लियामेंट छोड़ने का फैसला ले सकते हैं, पार्लियामेंट छोड़ सकते हैं? ये ख्वाब ख्याल में भी कोई ना लाए, इंशाल्लाह ये पार्लियामेंट कभी भी अब इनको हम छोड़ के नहीं देंगे। अवाम ने हमें यहाँ पार्लियामेंट छोड़ने के लिए नहीं, पार्लियामेंट में अंदर सही टिक के मजबूत अपोजिशन और मजबूत अपना मौकफ रखने के लिए भेजा है। अच्छा, अली मोहम्मद खान साहब, आखिरी सवाल बताइए, क्या तहरीक इंसाफ इस बार एहतजाज जो करने जा रही है और जब मखसूस नशस्तें आपको नहीं मिलेंगी, अगर ना मिली तो अगर रिकाउंटिंग में आप सारे आधा गिलास खाली क्यों देखते हैं, आधा गिलास भरा हुआ देखो। देखें, आप काजी साहब हैं वहां पर, ये भी देखें ना, तो क्या एहतजाज की शक्ल कैसी होगी? काजी हमारा भी काजी है ना, तो एहतजाज की शक्ल कैसी होगी इस बार? पूरे मुल्क का काजी है एहतजाज, इंशाल्लाह पुरअमन लेकिन भरपूर, और कभी भी अपने उसूलों पर सौदेबाजी नहीं करेंगे। यही हमें हमारा दीन सिखाता है और यही हमें इमरान खान ने सिखाया। नहीं नहीं करेंगे, उस वक्त हालात पे देखा जाएगा, क्योंकि वो पार्लियामेंट जब हम छोड़ेंगे तो ये मेरे ख्याल में फिर ये फैसला इस तरह होगा कि गोया हमने फिर इस मुमलिकत खुदादाद की जो है फातिहा पढ़ ली है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि फिर हमें कोई उम्मीद ही नहीं है इस मुल्क में दोबारा कानून की हुक्मरानी की, रिवाइवल की। अगर तहरीक इंसाफ एहतजाज करे तो इस बार एहतजाज की शक्ल कैसी होगी? जो भी कानूनी दायरे के अंदर जितना ज्यादा एहतजाज हम कर सकेंगे सख्त से सख्त। अगर इजाजत ना मिली तो? ना मिली फिर भी करेंगे। क्या फिर भी करेंगे? फिर भी एहतजाज करेंगे, क्यों अभी तक करते नहीं आए? ये हमने इजाजत तो भी की है, देते हैं तो दे दे, न देते तो अपने जेब में रखे। खुदा नहीं, रिकाउंटिंग में भी तरीके साहब सुनने आया कि सीटें छीनी जा रही है? नहीं, पार्लियामेंट में तो हम रहेंगे जी, पार्लियामेंट में तो रहेंगे।
और तहरीक इंसाफ एहतजाज करेंगे इस पर? एहतजाज करेंगे लेकिन पार्लियामेंट में कैसा एहतजाज होगा इस बार, कोई नई शक्ल होगी या पुराने वाला? ये अभी डिवाइस करेंगे, अभी इंतजार करते हैं, देखते हैं क्या होता है पहले सुप्रीम कोर्ट में फैसला क्या होता है। थैंक यू। करेंगे पार्लियामेंट छोड़ने का? उम्मीद है कि इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट जो है वहाँ से हमें रिलीफ मिलेगा और सुप्रीम कोर्ट आइन और कानून के और जो हमारे हकूक हैं उनका तहफ़ करेगी और ये सीटें हमें मिल जाएंगी। और डॉक्टर साहब ये बताइएगा, अगर इस बार तहरीक इंसाफ अगर एहतजाज करती है तो उसकी शक्ल कैसी होगी? पार्लियामेंट के अंदर भी रखेंगे और पार्लियामेंट के बाहर भी रखेंगे। ठीक है, थैंक यू। आमिर डोगर। अब आपने राय सुन ली इन तमाम लोगों की, तो तमाम लोग इस बात पर यकसू हैं कि हम बिल्कुल पार्लियामेंट से बाहर नहीं आएंगे। तो ये मेरा ख्याल है कि पीटीआई ने इन हालात में बिल्कुल सही फैसला किया है। पार्लियामेंट को छोड़ देना समझदाराना फैसला नहीं होगा, बल्कि पार्लियामेंट के अंदर रहकर अपनी आवाज़ को बुलंद करना और पार्लियामेंट के बाहर रहकर भी अपनी आवाज़ को बुलंद करना, अपने मैंडेट या अब जो भी उनका एक लीगल राइट या डिमांड है उसके लिए आवाज़ उठाना, ये मेरा ख्याल है पीटीआई ने सही फैसला किया है। और अपने इस फोरम को जो बड़ा इंपॉर्टेंट फोरम है उसको बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए और उसको आईनी और कानूनी तौर पर यूटिलाइज करना चाहिए। तो ये है जी पीटीआई। लेकिन एहतजाज के हवाले से वो कहते हैं कि जी बिल्कुल मुनफरिद एहतजाज होगा, ताकतवर एहतजाज होगा, ज़बरदस्त एहतजाज होगा। तो ये बातें आज वो कर रहे हैं, तो देखते हैं कि पीटीआई प्लान क्या करती है और क्या चीज़ें सामने आती हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।